स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बैतूल के शाहपुर में एक कॉफी हाउस में कोविड 19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर कॉलेज के छात्र जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। जैसे ही जन्मदिन पार्टी की सूचना एसडीएमओ तहसीलदार को लगी तो तत्काल प्रभाव से अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की। एसडीएम ने 7 दिन के लिए होटल को सील कर दिया, वहीं संचालक पर 2000 का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने आए 42 छात्रों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तहसीलदार बेगनाथ वासनिक का कहना है कि शाहपुर के कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट में कोविड 19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर जन्मदिन की पार्टी मनाई जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते मौके पर पहुंचे। इस दौरान जन्मदिन की पार्टी मनाते 42 लोग मिले, सभी पर चालानी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही होटल के संचालक रोहित आहके पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान एसडीएम अनिल सोनी भी मौजूद थे। बता दें, बैतूल में भी कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ गए हैं। बैतूल प्रशासन के द्वारा कोरोना से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते जिन स्थानों पर संक्रमण फैलने की ज्यादा संभावना होती है वहां पर प्रशासन की पूरी पैनी नजर होती है। इन्हीं सबके मद्देनजर रखते हुए तहसीलदार और एसडीएम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, क्योंकि अगर इन 42 छात्रों में से कोई एक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो सीधे पूरे 42 छात्रों पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगेगा, जिससे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी। कल दिनांक 6/4/2021 को शाम 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि शाहपुर में अलोम कॉफी हाउस है, वहां पे कुछ बच्चे छात्र लोग पार्टी बर्थडे की पार्टी मना रहे थे, जिसके कारण मौके पे जाके मेरे द्वारा पुलिस बल के साथ जांच की गई। जांच में पाया गया कि वहां पे करीब 42 छात्र जो है कॉलेज के छात्र थे, जो कि बर्थडे पार्टी मना रहे थे, जिसके कारण से सभी छात्रों के ऊपर में 100-100 रुपए का जुर्माना लगाया गया, तथा जो कॉफी हाउस के संचालक हैं रोहित आहके, इनके ऊपर 2000 रुपए का अर्थदंड आरोपित के जुर्माना किया गया। इसी प्रकार इस आलोम कॉफी हाउस को आगामी 7 दिवस के लिए कोविड के पालन नहीं करने के कारण से 7 दिन के लिए कॉफी हाउस को सील कर दिया गया है।